नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जनरल रीडिंग है प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इसे आप अच्छा 24 से लेके 30 जून तक आप ये रीडिंग को देख सकते हो। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। पास्ट से अगर इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो उनका नेचर कैसा था, प्रेजेंट में कोई नया आ रहा है तो उनका नेचर कैसा हो सकता है, और साथ में यूनिवर्स की तरफ से एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस होगी देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी है। एरीज यानी मेष राशि देख लेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है पास्ट में आपने अपने जो इनर जो कॉलिंग है यूनिवर्स का उसको आपने महसूस किया। आप अपने आप को पहचान गए पास्ट में। आपको लोगों की परवाह नहीं थी। आप अपने बारे में सोचने लगे थे। आप अपने अंदर की जो सोच है उसे आपने इनहेंस किया। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं उनको अच्छा दिखाने के लिए उन्हें समझाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने जो किया अपने खुशी से किया अपने बारे में सोच के किया। आपने हो सकता है अपने लाइफ के कुछ ऐसे सर्कल को आपने कंप्लीट किया है जिनको आप बहुत दिनों से झेल रहे थे। किसी ऐसी सर्कल को आपने कंप्लीट किया और एक नए सर्कल में आपने एंट्री लिया था पास्ट में। और जो आप हो एक्चुअल में आप हो जो आपकी जो लाइफ पर्पस है इन चीज़ों पे आपने काम किया आपने सोचा समझा और आपने अपनी लाइफ को एक नए तरीके से नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोचा। हो सकता है आप कहीं घूमने भी गए थे। हो सकता है आपने खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ पर्पस जो है वो समझ में आ गया है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है। आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है प्रेजेंट में आप किसी को अपना जो प्यार है दिल की जो जो सोच है जो प्यार के मामले में जो आपकी फीलिंग्स है वो आप किसी को अपने तरफ से किसी को प्यार देना चाहते हो किसी की तरफ एक्स्ट्रा ऑफर के साथ जाना चाहते हो या फिर आप ये महसूस कर रहे हो कि कोई आपके तरफ एक्स्ट्रा लव ऑफर के साथ आपके तरफ आए। ऐसा आपकी सोच है प्रेजेंट में। ये जो आप सिंगल्स हो वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कभी कोई रिश्ते में थे लेकिन अभी कोई रिश्ते में नहीं हो कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे और रिश्ते में होकर भी आप अगर खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं अभी क्या पास्ट से अगर आप पास्ट में किसी रिश्ते में थे तो क्या अभी पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अगर कोई आ रहा है तो उनका नेचर कैसा हो सकता है देख लेते हैं।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पांच से कोई ऐसा बंदा या बंदी आपके लाइफ में आने के लिए इंतजार तो कर रहा है, सोच तो रहा है कि आपके लाइफ में वो एंट्री करेगा, जो पेशेंसली वेट भी कर रहा है, जिनका नेचर ऐसा होगा, जो जो बहुत ज्यादा क्वाइट होंगे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कोई बंदा या बंदी, जिनको जिनमें बहुत ज्यादा पेशेंस है, इस तरीके का कोई पर्सन अगर आपके लाइफ में था तो हाँ डेफिनेटली वो आपके लाइफ में एंट्री लेने का तो इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। लेकिन मुझे लगता है ये आपके तरफ से भी कोई उनको कोई क्लूज मिल जाए इसका भी ये इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि नया कोई आ रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हैं, तो क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है? थ्री ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली आ सकता है नया कोई, लेकिन जो भी आएगा मुझे लगता है रिश्ते में प्यार मोहब्बत से ज्यादा ये आपके साथ दोस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, दोस्ती का रिश्ते दोस्ती का ऑफर लेके आपके लाइफ में इन दिनों कोई एंट्री ले सकता है कोई बंदा या बंदी। कोई ले सकता है आपके लाइफ में एंट्री। अब हम देखेंगे कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। अबंडन, मुझे लगता है आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडन, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, समृद्धि आने जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जो भी रिश्ते में अबंडन हो, पैसे में, जॉब में, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडन आने जा रहा है और आपको दोनों हाथों से उन चीज़ों को ग्रैब करना चाहिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।